दोस्तों, अगर आप भी EPFO के मेंबर हैं और आपका PF अकाउंट है और आप चाहते हैं कि अपने PF अकाउंट में अपना फादर जो नेम होता है उसे आप कैसे चेंज करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि PF अकाउंट में जो आपके फादर का नेम होता है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से। आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखनी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक विजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते यार, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस मेहनत को सफल बनाएं। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ करके सबसे दिखाऊंगा। पहले आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसे ओपन करनी है और वहाँ पे आपको सर्च करना है PF ग्रेवेंस। ओके, सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा PF ग्रेवेंस लिखा है, आपको इस पर क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट इंटरफेस पे आ जाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर ग्रेवेंस लिखा है, आपको यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप PF मेंबर लिखा है, आपको यहाँ इसे टिक करनी है। जैसे टिक करेंगे यहाँ पर लिखा डू यू हैव क्लेम, तो यहाँ पे इसे नो करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपना UAN नंबर, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा लिखा है इस कैप्चा को आपको फिल करके यहाँ पे गेट और जो यहाँ पे डिटेल्स लिखा है इस पर क्लिक करनी है। यहाँ पे आप कैप्चा जो लिखा इसे देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक, जैसे मैं कर लिया हूँ। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे आता हूँ यहाँ पर देख सकते हो जो नेक्स्ट इंटरफेस होता है UAN डिटेल्स में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो कि गेट OTP है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें गेट OTP पे यानी कि अपना जो कि मोबाइल नंबर और जो ईमेल होता है वहाँ पर OTP आया है। इस OTP को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो OTP आ गया है। फिल करने के बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे OTP वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे आपको अपना जो कि जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एड्रेस आप कम्युनिकेशन यानी कि ने अब जो पर एड्रेस है वही एड्रेस आपको तीनों में सेलेक्ट करना है। अपना जो कि पिन कोड है वो, और यहाँ पे कंट्री इंडिया है तो इंडिया में ही है स्टेट। और उसके बाद आप देख सकते हो आपको जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन कोड है इसको फिर कैप्चा में कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे PF जो भी मेम्बर है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जो ग्रेवेंस है यानी कि जो कंप्लेन हम कर रहे हैं PF ऑफिस लिखा है, आपको इस पर क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका जो भी रीजन है इस रीजन को आपको सेलेक्ट करना है। आपको दोस्तों बता दूं कि एक यही ऐसा ऑनलाइन एक ऐसी ऐसा ही ट्रिक है जिसके कि आप अपने फादर का जो नेम है चेंज करा सकते हो, वो भी एक कंप्लेन है, इस कंप्लेन को हमको सबमिट करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ, आप भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लिखा है ग्रेवेंस डिस्क्रिप्शन, आपका जो भी नेम यानी जो भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिख सकते हो माय फादर नेम इज चेंज। तो यहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लिख कर यहाँ पे नीचे देखो लिखा है अटैच, चूज फाइल अटैच। यहाँ पे आपका जो भी कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। दोस्तों बता दूँ कि PF में जो कि नेम फादर्स नेम एड्रेस चेंज करने का कि यही एक तरीका है जो फादर नेम होता है, आप ये ऑनलाइन यही आप एक जैसे कि कंप्लेन कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि मतलब कि अगर यहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप अपने PF ऑफिस जाके ऑफलाइन करवा सकते हो। हालांकि ये ऑफलाइन ही काम हो रहा है, लेकिन ये एक आपको बता दूं कि ये एक बस खाली एक ट्रिक है, अगर आपको अगर हो सकता है तो सही है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे नहीं होता है, आपको PF ही ऑफिस जानी पड़ती है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको रिप्लाई मिल सके, लेकिन बहुत लोगों को रिप्लाई मिलता है कि आप PF ऑफिस ही आके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं।